पूरा देश पीएम मोदी का जन्मदिन मना रहा है, लेकिन कांग्रेस को सबसे ज्यादा समस्या पीएम मोदी से ही है। पीएम ने कांग्रेस का राजपाट जो छीन लिया, अंग्रेजों के बाद भारत को किसी ने गुलाम बनाया था तो वो कांग्रेस पार्टी ही थी, लेकिन मोदी ने देश को कांग्रेस से आजाद करा दिया। ऐसे में ये कैसे संभव है कि कांग्रेस पीएम मोदी के जन्मदिन पर कुछ अच्छा बोलेगी या उनके लिए दुआ करेगी? लिहाजा कांग्रेस ने पीएम के जन्मदिन के दिन ही मोदी पर जमकर हमला किया है। सत्ता खोने के गम में डूबी कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी भड़ास निकाली है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सारी हदें पार करते हुए सरकार चलाने को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी की तुलना बंदर से की। सुरजेवाला ने कहा, अब की बार बंदर के हाथ में उस तरह सरकार। सुरजेवाला ने कहा, किसान की आय दोगुनी होने के बारे में पता नहीं, किसान की आय कब तक दोगुनी होगी पता नहीं, कोरोना से कृषक आय पर क्या असर पता नहीं, कितने प्रवासी मजदूर मरे पता नहीं। ये है मोदी सरकार के संसद में जवाब। इसलिए तो देश कैसे चलाते हैं इन्हें पता नहीं, अब की बार बंदर के हाथ में उस तरह सरकार। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस द्वारा पीएम मोदी का अपमान किया गया है। कांग्रेस नेता अर्जुन मोटवाडिया ने इससे पहले पीएम मोदी की तुलना बंदर से की थी। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को जल्लाद तक कह दिया था। इसके अलावा कांग्रेस के तमाम नेता पीएम मोदी को गाली देते रहते हैं। हालांकि सुरजेवाला के बयान पर अब राजनीति गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रणदीप सुरजेवाला के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने बयान में कहा, कांग्रेस दिवालिया राजनीतिक दल है, जनता ने भी इसको दिवालिया पार्टी घोषित कर दिया है, बुद्धि से भी नेतृत्व पूरी तरह दिवालिया हो गया है। सवाल है कि क्या सत्ता जाने के गम में कांग्रेस नेता इतने नीचे गिर गए हैं कि वो पीएम की गरिमा को भी भूल गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।